राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ आरजी ट्रैवल विद नैना से और आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं उसके लिए दिल से शुक्रिया। जब आज मेरा यहाँ पे लास्ट डे है तो मुझे अंदर से बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मुझे यहाँ मज़ा आ रहा था। यहाँ अरावली हिल्स पे मैं बार बार जा रही थी, मस्ती कर रही थी, बिग बॉस जैसी लाइफ जी रही थी। एक ना ये अलग ही लाइफ होती है जहाँ कोई टेंशन नहीं होती है, अपने डेली की आपका जो डेली रूटीन होता है उससे आप हटके जब कुछ करते हैं तो आपको दिल से खुशी होती है। तो मेरी मजाक मस्ती तो अलग थी, बट सीरियसली आज बात यह है कि आज मैं अपने अरावली हिल्स को छोड़कर वापस दिल्ली जा रही हूँ क्योंकि मुझे अब जॉब भी करनी है, मुझे अपने आगे के और भी काम करने हैं तो मुझे अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे सच में बहुत मज़ा आया। यहाँ डेली मुझे सुबह बहुत सारा काम करना पड़ता था, किचन में उठते ही मैं चली जाती थी, खाना बनाती थी सबके लिए, झाड़ू पोछा बर्तन सब करती थी और उसके बाद करने के बाद मैं दोपहर को बिग बॉस देखती थी और फिर शाम होते ही मैं तैयार होके एकदम हीरोइनों की तरह, लेकिन भाई के कपड़ों में, हाँ एकदम झल्लो माई की तरह तैयार होके अपने आप को हीरोइन समझती हुई मैं निकल जाती थी। और फिर गुड़गांव में हम एक्सप्लोर करते थे गुड़गांव को थोड़ा, कि गुड़गांव में क्या क्या है क्या नहीं है। मैंने वहाँ पे गलेरिया मार्केट देखी, सफ़ायर 83 मार्केट देखी, मैंने वहाँ पे साइबर हब देखा। अरावली हिल्स में मॉर्निंग में गई, इवनिंग गई, तो दोनों के अलग अलग एक माहौल होता है, एक वेदर था जो उसको एक बार इंजॉय करना चाहिए, एक बार फील करना चाहिए कि अरावली हिल्स पे मॉर्निंग का क्या वेदर होता है, इवनिंग का क्या वेदर होता है, ठंड में विंटर्स में आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैंने वो भी फील किया। मुझे घर का सामान लेने के लिए दो दो बार डी मार्ट लेकर गए, तो डी मार्ट से मैंने बहुत सारा सामान खरीदा जिससे मुझे ये भी पता चला कि घर का राशन यहाँ पे कहाँ मिल सकता है। इस जगह का नाम है भोंसी जहाँ पे अरावली हिल्स पड़ता है और एरिया का नाम है स्नेह विहार जहाँ से आपको सामने ही अरावली हिल्स देखने को मिलता है और सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पर आप चाहे स्कूटी से जाएं कार से जाएं तो आपको इजीली आप 10 से 15 मिनट में आप अरावली हिल्स पहुँच सकते हैं। जहाँ एरिया वैसा माहौल नहीं मिलेगा जैसा यहाँ पे आपको गुड़गांव में लीकर शॉप्स में मिलेगा। तो आप कभी भी गुड़गांव आएंगे तो भाई यहाँ के लीकर शॉप तो ऑसम ही है, मतलब देखते ही लगेगा कि यार ये लीकर शॉप है, मतलब सीरियसली ऑसम होता है यहाँ के लीकर शॉप्स। लोगों को लगता है कि गुड़गांव एक गाँव है बट एक्चुअली में एक गाँव नहीं है, ये यंगस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे नाइट पार्टीज़ होती हैं। यहाँ पे डिस्क बहुत सारे हैं, 29 में डिस्क पूरा एक हब है जहाँ पे सारे डिस्क ही डिस्क हैं, जहाँ अच्छे अच्छे ऑफर्स होते हैं वहाँ यंगस्टर्स के लिए, लेडीज़ के लिए अलग से होते हैं बहुत सारे। यहाँ पे बहुत कुछ है जो मैंने ब्लॉग में आपको सब बता रखा है, आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग में देखें, आपको सब कुछ डिटेल मिलेगी गुड़गांव की। और उसी के साथ साथ जो एजेड लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी शांति चाहिए होती है, जिनको ताज़ी हवा चाहिए होती है, वो यहाँ पर आए मॉर्निंग में और इवनिंग में अरावली हिल्स में बहुत अच्छा लगता है। ये एरिया जो है वो पड़ता है स्नेह विहार और जगह पड़ती है भोंसी। भोंसी में एक स्नेह विहार ये जगह है जहाँ से आपको अरावली हिल्स बिल्कुल पास में देखने को मिलेगा। 10 से 15 मिनट के रास्ते पर आप पहुँच सकते हैं, सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप स्कूटी या अपनी कार से आप अरावली हिल्स पहुँच सकते हैं। वहाँ भुवनेश्वरी माता आता है, क्योंकि आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो मैं आपको आगे के भी ट्रैवल्स पूरे करा पाऊँगी, नई नई जगह एक्सप्लोर करा पाऊँगी। मेरे चैनल पे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।